चिकन, ये कीमा है, कीमा है कम से कम 200 ग्राम करीब, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली डाल देता हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, ओनियन चॉप किया हुआ ओनियन डाल देता हूँ, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, बटर मेल्ट किया हुआ 2 टेबलस्पून, उसके बाद आलू डालना है, स्वाद के मुताबिक नमक है, एक अंडे का सफ़ेदी हम डाल देते हैं, अंडे का सफ़ेदी हम उस तरफ से निकाल देते हैं, उसके हल्का सा देखिए अंडे का ओनली सफ़ेदी सफ़ेदी हम डाल दिया, बस उसको मैं हटा देता हूँ। कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, छोटी इलायची की पाउडर है थोड़ी सी, अभी उसको मैं मिक्स कर देता हूँ अच्छी तरह। अभी हमारा मिक्सचर ये है तैयार हो गया है, रेडी हो गया। अभी उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोला कर देते हैं, छोटे 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 गोला कर देते हैं, उसके ऊपर रख देता हूँ। अभी मैंने इसमें 4 ग्लास करीब मोमो वाला बर्तन में पानी रख दिया है, उसको गर्म होने दीजिए, तब तक हम पैन में ना उसका थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। उसको हम एक बॉल जो है ना हमारा जो बॉल बनाया चिकन कीमा का बॉल बना दिया हमने, उसमें जो भिगा के रखा राइस है ये है भिगा के रखा हुआ, उसको मैंने अच्छी तरफ से छान के रखा हूँ, ये थोड़ा सूख गया भी है। उसमें हम क्या करना है, लगाना है राइस को, लगाना है इस तरफ से लगाना है अच्छी तरफ से, ये लग जाएगा देखिए, ये इस तरफ से लग गया इस तरफ से, और उसको हमने लेके मोमो वाला बर्तन में रखना है। अभी उसको हमने 15 मिनट तक स्टीम करने के लिए रख देते हैं तेज में, थोड़ा सा गैस आना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसको सिम कर देंगे और 15 मिनट तक उस स्टीम होता रहेगा। अभी हमारा स्टीम राइस चिकन तैयार हो गया है, ये करीब हमारा 15 मिनट लग गया, अभी उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। अभी हमारा स्टीम राइस चिकन ठंडा हो गया है, उसको हम अभी निकालते हैं। इसमें डिश में लगाते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए मोमो का चटनी है जो होता है ना तीखा वाला, वो चटनी सर्व करते हैं। यह हमारा डिश अभी तैयार है।